कोई वीडियो जरा सी पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। और सामने इंस्टाग्राम हैंडल भी लिखा आ रहा है, Parth_0541, ठीक है, मेरे को फॉलो कर लेना। साथ में वेंडिंग हर्षित जो वीडियो बना रहा है उसका भी लिखा आ रहा होगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है पार्थ भारद्वाज। तो आज बेसिकली जैसे आपने मेरी इको स्पोर्ट वाली वीडियो देखी होगी, मेरे कजन ने ली थी इको स्पोर्ट, ये बैठा और पीछे जो कैमरा संभाल रहा है वो भी। तो आज इसके अंदर जो है हम लगवाने जा रहे हैं सामान, इसके अंदर जो बेसिक एसेसरी लगनी चाहिए, टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट है, ज़्यादा कुछ लगवाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मैट वगैरह जो लगने चाहिए वो लगवाने जा रहे हैं। तो भाई जैसे आपने मतलब कि मैंने आपको बताया था कि हम करोलबाग जा रहे हैं, मतलब गाड़ी के अंदर सामान लगवाने के लिए, ये खड़ी गाड़ी। तो भाई उस दिन हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि हम वहाँ पे ऑलरेडी पहुँचे 7:30 बजे करीब थे। हमें सामान निकलवाते निकलवाते 8 बज गए। हमने पहले तो जो मतलब फाइनल करा था, हमने फाइनल करा था इसके अंदर ये वाले जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो, और यहाँ पे जो पिलर लाइट लगती है वो, बट जो हमारे भाई हैं उन्होंने मना कर दिया था कि पिलर लाइट और नीचे जो रिफ्लेक्टर हैं वो लगवाने हैं, क्योंकि जो वहाँ का जो बंदा था टेक्नीशियन, आप जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, उसने बोला था कि इसके अंदर जो यहाँ पे पिलर लाइट और नीचे जो रिफ्लेक्टर लगने हैं वो लगेंगे भाई मतलब कि वायर पील करके, ठीक है। इसके अंदर कपलर वाला सीन नहीं है, जैसे आपको ऑलमोस्ट हर मारुति की गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है कि कपलर खोलो और उसके अंदर सीधा क्या बोलते हैं वायर डालो और आपका काम हो जाएगा। भाई यहाँ से कहीं से तार एक्सिस होती है इस जगह से, खुल जा भाई, खुल जा। तो भाई इस जगह से कहीं से तार एक्सिस होती है, यहाँ से हाथ डाल के ये रही भाई, इस तार उस इस वायर को कह रहे थे कि वो हम पील करेंगे और उसके बाद करेंगे, बाद बंद कर लेंगे, चला जा भाई, उसके बाद मतलब कि उसको लगाऊंगा। तो हमने बोला कि यार अभी तक तो पहली सर्विस भी नहीं हुई और हमें सर्विस सेंटर वाले पूछना पड़ेगा कि आगे जाके वारंटी वॉइड वगैरह कुछ होगी। तो आज ये पहली सर्विस कराने गया तो उन्होंने क्या बोला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उन्होंने कहा था कि इतनी सी वायर जो हम पील करेंगे उसके बाद मतलब कि इसके अंदर पिलर लाइट और नीचे लग जाएगा, तो हो सकता है आपको बाद में इसके अंदर लगती हुई नज़र आ जाए। और उस दिन जो हमने काम करवाया था इसके अंदर, हमने ज़्यादा कुछ तो कराया नहीं भाई, एक इसके अंदर लगवाए थे भाई ये वाले मैट। तो उस दिन हमने जो इसके अंदर लगवाए थे वो लगवाए थे 70 मैट ऐसे वाले, ठीक है 2200 रुपये में और क्या लोगे। एक इसके अंदर कुछ ऐसे हमने चाबी का कवर भी ले लिया था और लगवाए थे भाई मड फ्लैप। ये मड फ्लैप ने मतलब कि ये वाले मड फ्लैप हमने नहीं लगवाए थे शोरूम से, वो 1500 रुपये कुछ चार्ज कर रहे थे और वर्तमान दाम है बाहर 400 रुपये के पड़े थे, 400 के पड़े थे, 2500 दिए थे ना हमने, 300 रुपये के आसपास के पड़े होंगे, फिर 300 रुपये के मड फ्लैप पड़े थे हमें फोर्ड के ओरिजिनल। तो भाई क्या फ़ायदा सर्विस सेंटर से लगवाने के लिए, ये सारी चीज़ें बाहर से लगवा सकते हो जो आपको कोई भी नुकसान वगैरह नहीं देगी। जैसे मतलब ये सामने DRL भी बंद हो गई, यहाँ से अगर मैं गाड़ी खोल देता हूँ DRL भी जल जाएगी। ओवरऑल गाड़ी ठीक है, गाड़ी लेके खुश हो भाई, बढ़िया है। लाइट का थ्रो वरो कैसा है, लाइट वही लाइट बहुत ज़बरदस्त, लाइट इसकी हैलोजन है, जलाइयो लाइट, स्टार्ट कर दे, ले नहीं होगी बिना इसके, चाबी लगा चला दे सीधा, DRL हो गई थोड़ी सी लो, और सामने अच्छी खासी बीम है भाई इसकी, और हाई बीम पे करियो, हाई बीम पे देखो कितनी दूर इसकी बीम जा रही है। फॉग लैम्प्स भी हैं बट ये फॉग लैम्प्स थोड़े से कमज़ोर हैं ऐसा ये कह रहा है, क्योंकि ऋषिकेश लेके गया था गाड़ी को तो इसने बताया कि फॉग लैम्प्स के अंदर लाइट वगैरह जो है कमज़ोर है। उस टाइम हमने इसके अंदर HID LED वगैरह लगवाई नहीं क्योंकि उस टाइम मूड नहीं था हमारा लगवाने को। और सीट कवर जो बचे हैं, सीट कवर के लिए उन्होंने बोला था कि भाई कम से कम नहीं तो आपको लगेंगे 4 घंटे सिलवाने के लिए, आपको जैसा आपने चाहते हो लगवाना गाड़ी के अंदर, और उसके बाद 1-1.5 घंटा लगाने का। उस टाइम तो टाइम था नहीं भाई, हम क्योंकि 7:30-8 बजे करीब पहुंचे थे, इसी चीज़ के अंदर हम वहीं पर रह गए। तो भाई एक चीज़ और बतानी भूल गए, ये भी हमने करोलबाग से लिया था, पता नहीं अब ये कितने का था, ठीक है, 150 रुपये के आसपास का था। अब यहाँ से हम चला लेते हैं लाइट, यहाँ से लाइट जला ली हमने सामने। तो भाई जैसे मैंने बताया था कि इसकी जो हेडलाइट का थ्रो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, अभी ये हेडलाइट बंद है, ये इसकी नॉर्मल DRL जो थोड़ी लो हो गई, अब ये इसकी लो बीम है, ठीक है। अब यहाँ से सामने मारे ना भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी रोशनी है, ये देखो मैं पीछे लेके जा रहा हूँ जानबूझ के गाड़ी, थोड़ी बहुत तगड़ा रोशनी का भाई थ्रो है जैसे मैंने इनसे पूछवाया आपको। ये तो भाई दिखाइए, तो दिखाई भाई, भाई गाड़ी ली है 9 तारीख को, ठीक है, 7 को लिया भाई, 9 को गलत बोल रहा हूँ, 7 को लिया है, 9 को तो मैंने वीडियो डाल दी, 7 को लिया भाई, और इधर देखो आप कितनी चला दी भाई, मतलब कि 20 दिन भी नहीं पूरे होने दिए इन्होंने आसानी से, ठीक है, और उन्होंने चला दी 2790 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 2800 किलोमीटर दिखाने गया ना, हाँ वो कहता
भैया पहले सर्विस आ गई, मैंने कहा कह रहा कब ली थी मैं 7 तारीख, कहता अच्छा उतना किलोमीटर चेक किया, कह रहा 2700 किलोमीटर चला भी दिया आपने, कह रहा भैया पहली गाड़ी देख रहा हूँ जल्दी आप लेके आ गए भाई। यही चीज है, मैं तो इन्हें कह रहा था डीजल की ले लो, बट इन्हें उस टाइम लगा कि इनकी रनिंग नहीं है, बट अब इनको पकड़ियो, अब इनको लग रहा है कि इनकी रनिंग ज्यादा है, बट यही है चलो कोई बात नहीं, ले ली भाई साफ सीधी बात, पेट्रोल का खर्चा दिल्ली वाले उठा लेते हैं आसानी से, डीजल का यही चीज है दिल्ली के अंदर रिस्ट्रिक्शन है 15 साल की, मतलब 15 साल नहीं चलती है 10 साल ही चलती है दिल्ली में डीजल की गाड़ियाँ, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जम्मू के अंदर जो डीजल की गाड़ियाँ होती है 25 साल के लिए वैलिड होती हैं, इसका क्या मतलब है, पॉल्यूशन तो भाई वहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, खराब देश हमारा खुद का हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, अगर आपको वीडियो जरा से पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, थैंक यू सो मच, और सामने इंस्टाग्राम हैंडल भी लिखा रहा है Parth_0541, ठीक है मेरे को फॉलो कर लेना, साथ में वेंडिंग हर्षित जो वीडियो बना रहा है उसका भी लिखा रहा होगा।